gitu. गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है ऐसे कैसे जैसे गाड़ी आप आगे देख रहे हो एक एंडेवर, पीछे देख रहे हो एक रैंगलर, उसके बाद कुछ आया बता इसको कहते हैं रैंगलर, शूम करते जाती हुई। और ये हमारे अक्षय भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। ठीक हो? ये है मोहित। और मोहित तू क्या प्रॉब्लम है? अक्षय भैया देखना पीछे लेटा कैसे। गाइस देखो, ये सबको मस्ती चढ़ जाती है, पता है मस्ती चीज ही ऐसी है। तो अभी आज का ऑफ रोड थोड़ा सा डिलेड है, जैसे कि आपको शायद आपने वो वीडियो देखी, आज अंतरिक्ष भैया का बर्थडे है, तो बस बर्थडे पे ही थोड़ा सा ऐसे ही आगे ऑफ रोड आउटिंग के लिए, मतलब कोई ऐसा प्लान आउट ऑफ रोड नहीं था। तो अभी देखते हैं कितनी गाड़ियां हैं टोटल, कौन सा ट्रैक हम करने वाले हैं और जो भी सीन्स रहने वाले हैं। सो चलिए निकलते हैं ट्रैक की ओर, कंटिन्यू करते हैं, हम थोड़ा पीछे रह गए हैं व्लॉग के चक्कर में। चलिए अभी क्या है कि सबसे आपका एक बार इंट्रो करवा देते हैं। सबसे पहले तो रोहित भैया बैठे हैं पीछे, डॉक्टर रोहित। तो ये इनके पास जो गाड़ी है ना वो भी आपको दिखाएंगे, बट उसका ना मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ, उसका मतलब ऐसे आपको छोटी सी वीडियो दिखाकर स्पॉइलर नहीं करूंगा। एक भाई सैंगलर, और ये तो आपको पता ही है, ये भाई सशक्त भाई। हाँ जी, फाइनली मिली गए। एक बार ये कैनाल रोड पे जा रहे, मैंने कहा ये गाड़ी कभी ऑफ रोड पे आया तो मजा है। और बताओ आज फिर मचाने वाले हो? चलो जी, तो ये मसला है। बाकी ये गाड़ी आप देख सकते हो, अरे 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 रुक जाओ सर, इनको आप जानते ही हो, द हल्क किंग। क्या हाल चाल है? ठीक हो? कहाँ जा रहे हो? ढूंढ रहा हूँ रास्ता, नहीं मिल। नो मत, ये अंतरिक्ष भैया ने सही बात बता दी आपको, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, निकाल लेगा वो तो नहीं, निकाल लेगा। फिर क्या करना, मैंने नहीं खेलना। ट्रैक कहाँ फिर? ट्रैक तो खतरा है, उधर से है। और इधर है जी अंतरिक्ष भैया, हैप्पी बर्थडे। क्या हाल चाल है? ठीक हो? पहले इतनी हाइट थी, अभी और ऊपर है, क्या करना। और भी आप भी ठीक हो? टेस्टिंग हो जाएगी प्रॉपर हाइट। नहीं आज तो मेरे को मूड में भी पूरे लग रहे हो आप। और बाकी तीन गाड़ियां और हैं, जिप्सी है एंड फोर्स अपनी आ गई एंड दिगी भी आ गई, स्कॉर्पियो भी है। तो चलिए ठीक है, अभी निकलते हैं यहाँ से, और अपनी थार तो है ही है ही है ही है। तो गाइस रैंगलर देख रहे हो आप, आज रैंगलर बीस्ट है, बीस्ट रिकवरी की गाड़ी भी यही है। और ध्यान से पकड़ना, प्रॉपरली पकड़ना अपने आप को। और लोग इसमें बोलते हैं 4x4 चाहिए। काफी कीचड़ वीचड़ है और सब लोग आगे जा चुके हैं काफी तेज, सिर्फ अपनी एक फोर्स क्रूजर रह गई है और हम लोग रह गए नहीं। वैसे वैसे जैसा सख्त भाई की जिप्सी भी है, तो चलो आराम से। क्या हुआ, लूज हो रहा है? तो गाइज ऐसा मसला है, अभी रैंगलर को रोका गया, अंतरिक्ष भैया सीधे ही गाड़ी के नीचे घुस गए। मैंने कहा समझ नहीं आ रही क्या हुआ, फिर बाद में याद आया, क्या बोलते हैं उसको, डैम्पिंग कंट्रोल है। हाँ, कंट्रोल उसका स्विफ्ट हो जाता है ना, इसके साथ सस्पेंशन। हाँ तो ये है, वो कर दिया यहाँ से। हाँ, ये जैसे ना यहाँ पे आगे से दिखाता हूँ, ये यहाँ से इसको जो है लॉक अनलॉक करना पड़ता है, इससे स्टिफ और सॉफ्ट होता है ये, ताकि ऑफ रोड के हिसाब से कैसा कैसा हमें चाहिए। तो वो इसी के लिए अभी रुक गए थे। चले फिर आगे, चलो 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 जी चलो। हमारा एक बंदा जा चुका है, कौन देखिए पता नहीं कहाँ जा चुका है। अच्छा, ये एंडाइवर 3.2, अभी तक थार 4x2 में ही रखी हुई है मैंने। जब भी आ रहे हैं ना ट्रैक थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है, जैसे आज भी क्या है कि उस साइड से पूरा खुदा हुआ है, वहां से खुदा हुआ है, नहीं तो ये पूरा खुला खुला सा ही होता है। अच्छा आगे मेरे को लग रहा है मसला होगा, देखते हैं पूछ के आते हैं क्या चक्कर है, क्यों रुक गए गाइस, क्यों रुक गए गाइस, क्या किसको बैठना है? मैं बैठ जो सोच रहा हूँ ड्रम कहाँ खुलाऊंगा जाके। अक्षय भैया हमने ड्रम कहाँ खुलाने हैं? साहिल भैया रुको रुको, साहिल भैया आज का पहला ऑब्स्टेकल करने वाले हैं। साहिल भैया आज मैं कर रहा हूँ, यस बिल्कुल, तभी आगे बुलाया, और क्या। साहिल भैया टू व्हील में क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो साहिल भैया? तो चलिए गाइस अभी देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल चाल है?
सॉलिड है ये, वो सॉलिड है। ये तो सॉलिड निकला, मैं उंगली करने लगा हूं। अच्छा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो गाइस ये जगह तो क्या है कि सॉलिड निकली, मतलब मैंने सोचा था कि शायद ये थोड़ा सा हो सकता है। ये हमने लास्ट टाइम निकाली थी यहाँ। अच्छा निकाली थी, मेरे को लगता आज भी निकल जाएगी क्या, मतलब आज ज्यादा वैसे वो है। अब जाएगी शायद एंडेवर। जंप, चलो जी, काफी स्मूथली निकाल दिए। हाँ ले जाओ, है जगह वैसे है। है कितनी बड़ी बात कह दी है। नहीं मलना नहीं भाई, चिड़के है ही नहीं, चिड़के है ही नहीं, वो क्या करेंगे। हम तो है ना, मैं प्यारा नहीं हूँ सबका। हैप्पी बर्थडे टू यू। फिलहाल ये सीन है ऐसे, क्योंकि आज ना ऑफ रोड के लिए हम काफी लेट निकले हैं, तो फिर प्लान चेंज हो गया। अब यहीं से जाएंगे वापस, बस वहाँ सामने से निकलते हुए, मेन बर्थडे वाला ही था मसला। चलिए निकल ही रहे हैं, सभी निकल रहे हैं। देखो अब ऑफ रोड से तो हम जा रहे हैं वापस। एक मैं चीज चाह रहा हूँ कि रैंगलर और थार का ना, क्योंकि मेरी थार है, अंतरिक्ष भैया की रैंगलर है, मतलब ऐसा कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ना टेस्ट करते हैं उनके साथ। तो कहाँ है यार, मतलब रैंगलर तो रैंगलर ही है, ऊपर से वैसे ही मॉडिफाई भी, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। आपको क्रूजर की भी ग्लिम्स दिखा देते हैं, अगर ये गाड़ी आपको देखनी होगी ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते ना। खतरनाक चीज है ये, वो तो 4x2 पे जा रहे हैं, हमने ऐसे ही 4x4 लगा के रखा है। चलो जी, टक्कर हो जाती है गाइस ऐसे। अनिल भाई भी आज पहली बार आए हैं। और जी एक बार मैंने गलती से कहीं जिम ज्वाइन कर ली थी, वहाँ ये मिलता था मेरे को रोज, तो ये जिप्सी की आज इन्होंने भी अच्छी रेल बनाई हुई है। कोई दिखाओ ना, चल भी हमें थोड़े से दिखाए। कोई नहीं, तो चलिए जी। अच्छा अभी सहेलिया जा रहे हैं, वहाँ से स्कॉर्पियो आ रही है। तो भाई इन सब ने मिलके प्लान किया, बलि का बकरा बनाया। बलि का बकरा नहीं है, वो पहली बार आया ना, बकरे का बलि है। गाड़ी पर छोड़ेंगे तो। चलो जी हम तैयारी शुरू करें। साहिल भैया जो है वो पहली बार ही आए थे, तो अब क्या है कि रिकवर करेंगे रैंगलर से, बिकॉज रैंगलर में ही विंच लगा हुआ है। कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ, रुको। अब और रुक जाओ, अभी फंस गई है, दसने वाला है। चलो वो मैं आपका एक्सपीरियंस जानने आया हूँ, कैसा लग रहा है?
बहुत सारा अच्छा, कोई नहीं अभी विंच लगाते हैं। क्या है कि आगे से ना थोड़ी अंदर गाड़ी चली गई है ज्यादा, हुक ढूंढ रहे थे, ये मिल गया यहाँ पे, तो चलो मिल गया मिल गया। आराम से आराम से। मैं 6 फुट 1 इंच का हूँ, मैं 5 फुट 5 इंच का रह गया हूँ अभी। ये 5 फुट 5 तो ठीक है, एक बार 3-4 भी हो जाता है इधर। मैं 5.5 का हूँ तो 2.5 का ही रह जाता एक बार। इनकी गाड़ी थी हाई में। ये आपको मैं पानी के अंदर से भी दिखाता हूँ, ये देख। ब्रो मजाक ही कर सकते हैं, हम सीरियस नहीं करेंगे कभी, डोंट वरी। नहीं कुंडा सेंटर पे थोड़ी है इसका। ना ना ये कुंडा है भी अलग सी सिचुएशन लग रहा है, कुंडा तो है लेकिन लग नहीं रहा है। चलो जी, हाँ म्यूजिक का फील दिया जा रहा है टाइट सिचुएशन में भी। आपको ज्यादा उधर जाके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं ज्यादा अंदर जा सकता हूँ। फंसा नहीं फंस रहा उधर। चलो जी, तो अभी जिप्सी को रिकवर करेंगे रैंगलर के साथ। चलो जी निकल ही गई है अब। गाइस ये आप देख सकते हो, ये मिनी हमारी रेंगलर है, ठीक है ना। नीरज भैया चला रहे हैं। ये नीरज भैया ये कौन सी गाड़ी है? कौन सी? ये रॉक रोलर। रॉक रोलर भाई साहब, मैं ही आ गया दोनों गाड़ियों को देख के। तो अभी क्या है कि बननी तो बन गई है लेकिन जा रही है रेगुलर। न्यूट्रल नहीं करना कभी, फर्स्ट में लगा, फर्स्ट में रख। अच्छा ऑटो है, एक ही बार खींचना ऊपर, खींच दे क्योंकि ये बम्प आएगा थोड़ा। हाँ बस बस फुल पावर। इधर इधर आने आगे आने दे, आगे आने दे, जैसे ही पहला टायर ऊपर जाएगा फिर पावर करना। आहिस्ता पावर। सो गाइस फिलहाल निकल चुके हैं अब वापस, ठीक है। आज का गुड शो था, मतलब लास्ट वाला ऑब्स्टेकल समझ नहीं आया, शायद वो पीछे खड्डा सा था क्या, मतलब जिप्सी अगर वैसे चढ़ गई थार को ऐसा करना तो नीचे ऐसा, लेकिन ठीक है चढ़ गई तो चढ़ गई, तो चलो ठीक है निकलते हैं। तो जी फाइनली पहुंच चुके हैं घर वापस और इसी के साथ खत्म होता है आज का दिन। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आज का दिन तो मतलब ऑफ रोड का अलग से ही मैंने बना दिया होगा किसी दिन। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको अपडेट है, मे भी हो सकता है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं जम्मू में हूँ ही नहीं, मैं जम्मू से कहीं बाहर हूँ, वीडियोज अगर डिलेड है तो आपको इंस्टाग्राम पे पता चलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।